गुड एल्टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एल्टॉस के न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट इम्यून सिरप के बारे में। जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है, इम्यून सिरप आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए है। दोस्तों, आज के टाइम पे जो ये दौर चल रहा है, इसमें ये चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए, यानी कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है, यही हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने में मदद करती है। इसलिए हर एक व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है, यानी कि उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसका मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, एल्टॉस का जो इम्यून सिरप है, इसमें तुलसी, दालचीनी, सुंठी, कृष्णा मिर्च, पिपली, हल्दी, गिलोय, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, इन सब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार किया गया है। दोस्तों, जो इसमें तुलसी है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो पाए जाते हैं, जो कि आपके जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिन्हें हम मुक्त कण बोलते हैं, उनके होने वाले दुष्ट प्रभाव से हमें बचाने में ये मदद करती है। दालचीनी जो है, जितनी भी आपकी बॉडी के ऊपर जर्म्स अटैक करते हैं या बैक्टीरिया अटैक करता है, उनसे हमें बचाने में ये मदद करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसे मजबूत करने में ये मदद करता है। सुंठी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि जितनी भी इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन है, इनसे हमारी रक्षा करने में ये मदद करती है। कृष्णा मिर्च हमें सर्दी और जुखाम से बचाने में मदद करती है और साथ ही साथ इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। पिपली जो है, हमारे को जो तेज बुखार हो जाता है उसको कम करने में मदद करती है और साथ ही साथ ये हमें इन्फेक्शन से बचाने में भी मदद करता है। हल्दी की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हल्दी का जो मेन एक्टिव कंपोनेंट है वो है कुर्क्यूमिन, जिसकी बहुत सारी मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं और ये हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, यानी कि ये आपको हर प्रकार की जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर जो आपकी बॉडी में सूजन आ जाती है, आपके जो शरीर के अंगों में सूजन आती है, उसको कम करने में ये मदद करती है। वहीं जो गिलोय है, वो आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि आपकी श्वसन प्रणाली है, उसको मजबूती प्रदान करने में मदद करता है और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके बुखार को कम करने में मदद करता है और ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है, यानी कि आपको ये तनाव से आराम दिलाने में मदद करता है। बात करते हैं आंवला की, तो इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को, यानी कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको मजबूत करने में मदद करता है और इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। हरड़, इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स है और विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। बहेड़ा की बात करें तो ये जो आपको कॉमन कोल्ड, यानी कि आपको जब वेदर चेंज होता है तो सर्दी खांसी की जो समस्या है उसको ठीक करने में मदद करता है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, यानी कि अगर आप इम्यून सिरप का जो सेवन है प्रतिदिन करते हैं तो ये आपको क्या लाभ प्रदान करेगा। सबसे पहले दोस्तों, ये आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में मदद करता है, आपकी बॉडी की जो वीकनेस है, यानी कि कमजोरी है, उसको दूर करने में मदद करता है और आपका जो स्टैमिना है उसको बढ़ाने में मदद करता है, हर प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया से आपको बचाने में मदद करता है। इम्यून सिरप का प्रतिदिन सेवन आपको एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है, यानी कि जो आपके शरीर में मुक्त कण होते हैं उनके दुष्ट प्रभाव को कम करने में ये सहायक है। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण प्रदान करने में मदद करता है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो भी आपके शरीर में सूजन आ जाती है, ये आपके शरीर के अंगों से सूजन को धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। कोल्ड और फ्लू जैसी समस्या से आपको आराम दिलाने में मदद करता है, थकान से राहत दिलाने में मदद करता है और इसके अलावा जो भी आपकी श्वसन संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कि एस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, जो भी ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको आराम देने में ये मदद करता है।
सो दोस्तों ये बात थी इसके बेनिफिट्स की। आइए अब मैं आपको बताती हूँ इसके डोजेज के बारे में, यानी कि आपने इम्यून सिरप का सेवन किस प्रकार करना है। सो बात करते हैं सबसे पहले बच्चों की, तो आप बच्चों को आधा से एक चम्मच दिन में दो बार देंगे खाना खाने के बाद में। और वहीं अगर हम वयस्कों की बात करेंगे यानी कि एडल्ट्स की बात करते हैं, तो वो दो चम्मच सुबह और शाम खाना खाने के बाद में इसका सेवन करेंगे। सो दोस्तों ये थी एल्टॉस इम्यून सिरप के बारे में इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एल्टॉस।